हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू डिजिटल ओडिशा आज हिस्ट्री सेशन आमर एंशिएंट हिस्ट्री सब सरी गला एंड एंशिएंट बोथ आउ मेडिएवल बोथ आर कवर्ड एंड आज आम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करवा ठीक अच्छे एंड दिस इज द पार्ट वन ओके सो क्लास स्टार्ट पूर्व आज जमीदार पुराना वेयर जो मैंने अच्छा क्लास को लाइक शेयर करूँ एंड जो मैंने नुआ वेयर व क्लास को नुआ कर देखुं से मैंने लाइक शेयर तो डेफिनेटली करेंगे आपण मैंने सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाइज ठीक अच्छे ओके सो पार्ट वन 40 क्वेश्चन टोटल अच्छी Okay, here is the first question. When Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of Salt Satyagraha? So, jitebele Salt Satyagraha hoitila kete masiyare 1930, right? तो 30 मसीह जितेबाला गांधीजी को आरेस्ट करागला से जगार किए मानने मानने लवण आईन भंग कर लीडरशिपटा किए नहीं विनोबा भावे सरदार वल्लभ भाई पटेल अब्बास त्याबजी एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो किए नहीं अब्बास त्याबजी ठीक अच्छे ताले केबे 1930 मसीह ठीक अच्छे एंड अब्बास त्याबजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात बोली कहुए मन रखिए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात राइट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात ठीक अच्छे अब्बास त्याबजी Then, in which session of Congress the demand of पूर्ण स्वराज was accepted as the aim of the Congress? तो को सेशन रे कौन गला जो पूर्ण स्वराज बोली जो डिमांड करा जायथिला कांग्रेस रो को सेशन रे पूर्ण स्वराज को डिमांड करा जायथिला कलकत्ता सेशन मद्रास नागपुर एंड लाहौर तो को सेशन ने करा जायथिला लाहौर सेशन ने करा जायथिला ठीक अछि लाहौर सेशन ने केबे 1928 मसे रे गांधी जी डिमांड करथिले हु वाज द लीडर ऑफ बर्दोली सत्याग्रह तो बर्दोली सत्याग्रह लीडर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य जेबी कृपल किए नहीं बर्दोली सत्याग्रह लीडर किए नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल केते मसीह रही है बर्दोली सत्याग्रह 1928 मसीह ठीक अच्छे गो बैक टू बेदर्स दिस कॉल गिवन बाय तो गो बैक टू बेदर कहार थिंग मतलब एटा किए कहते रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद ज्योतिराव फुले और दयानंद सरस्वती तो गो बैक टू वेदर्स किए कहते दयानंद सरस्वती नावखाली इज सिचुएटेड इन नावखाली कोठी अछि वेस्ट बेंगल बांग्लादेश त्रिपुरा एंड बिहार तले कोठी अछि नावखालीटा बांग्लादेश रे अछि डिस्ट्रिक्ट इट्स अ डिस्ट्रिक्ट महात्मा गांधी वाज फर्स्ट आरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर तो महात्मा गांधी केबे जो तांगर प्रथम सत्याग्रह रे से कौन करथिले माने आरेस्ट हेतिले केबे 1906 1908 1913 आ 1917 देछि ताले केबे हेतिले 1908 मसीहा रे ठीक अछि What was the basis of transfer of power to India on 15th August? तो माने 15 अगस्त का मानिबार मेन कारण एक्चुअली कौन थिला ऑन दिस डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांड पूर्ण स्वराज ऑन दिस डे महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ द जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन तो कौन होता तो फास्ट मन व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर पावर टू इंडिया ऑन 15th अगस्त कौन थिला एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन ठीक अच्छे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही डिसाइड करते 15 अगस्त रे कौन इंडिया को ट्रांसफर करे मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हबो बोली सी ही कौन करथिले डिक्लेयर करथिले ठीक अच्छे तो सेति पई कौन करा जेतिला से जो जो दिन डिक्लेयर करथिले सेही दिन ही कौन थिला अगस्त 15 1945 मसीहा थिला तो सही डेट अनुसार जोटा कौन हम सेकेंड वर्ल्ड वार ठीक अच्छे सेकेंड वर्ल्ड वार चलता समय है ठीक अच्छे से कौन करते डिक्लेरेसन देते एंड से अगस्त 15 तारीख ही हेटा मेंशन करते से अगस्त 15 को माने 1947 मसीहा अगस्त 15 आम देश स्वाधीन है एनिवर्सरी अनुसार ठीक अच्छे Permanent Revenue Settlement of Bengal was introduced by तो permanent revenue settlement ता बेंगल रे की introduce करेथिले लॉर्ड क्लाइव हास्टिंग्स वेल्सली एंड कॉर्नवालिस ताले किए करेथिले मन रखिबे कॉर्नवालिस ठीक अछि परमानेंट सेटलमेंट केबे 1793 द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मानकर फादर किए थिले मोतीलाल नेहरू गोपाल कृष्ण गोखले वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक ताले किए थिले लाल बाल पाल तीन जन कोन एक्सट्रीमिस्ट माने ग्राउंड रे थिले ठीक अछि त बाल गंगाधर तिलक थिले एक्सट्रीमिस्ट ठीक अछि महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम मतलब महात्मा गांधी सिविल ओबीडियंस मूवमेंट्स टाइम रे महात्मा गांधी कोट इंस्पायर होइतले थरू रस्किन कन्फ्यूशियस टॉल्स्टॉय काड होइतले थरू द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम तो प्रथम भारतीय किए जे इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस एग्जाम रे क्वालिफाई करथले बा सिलेक्टेड हेतले सत्येंद्रनाथ टागोर सरोजिनी नायडू लाला लाजपत राय और सी आर दास किए हेतले सत्येंद्रनाथ टागोर द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम टा केबे और कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतला इंडिया रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 ताले कहा द्वारा हेतला कम्युनल इलेक्टोरेट मॉर्लेमिंटो शासन संस्कार आईन 1909 मसीह ही इंट्रोड्यूस करा जायतला से एक्ट अनुसार हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता के 1930 तापटा 1931 लास्ट 1932 तीन थर होती ठीक अच्छे तो सेकेंड जो गोलटेबल बैठक होता है 1931 मसीह सेतबले इंडिया रिप्रेजेंट किए करते अरुणा आसफ अल्ली सुचेता कृपालिनी सरोजिनी नायडू और कल्पना जोशी तो किए करते मन रखिए सरोजिनी नायडू करते राइट सरोजिनी नायडू हु persuaded the ratings of the RIN Royal Indian Navy to surrender on 23rd February 1946 तो किए बाध्य करथिले माने इंडियन नेवी को सरेंडर करिया पे 1946 मसीहा फरवरी 23 तारीख रे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वल्लभ भाई पटेल या MS मोहम्मद अली जिन्ना और मोरारजी देसाई एंड जेबी कृपालिन किए करथिले मन रखिबे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना केबे 23 फरवरी 1946 मसीहा रे ऑन सेप्टेम्बर 20, 1932 1932 मसीहा सेप्टेम्बर 20 रे महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट अन टू डेथ इन येरवाड़ा जेल एगेंस्ट तो महात्मा गांधी जो आमरण अनशन करते ओके तो जो को जेल रे ना येरवाड़ा जेल रे तो से एग्जैक्टली को कहा एगेंस्ट पाई से माने से जो स्ट्राइकटा करते ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ सत्याग्रही वायोलेशन ऑफ गांधी यूरिन पैक्ट कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड एंड कम्युनल राइट्स इन कलकाता तो कौतपे करते मन रखिए कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड ठीक अच्छे आउ रामसे मैकडोनाल्ड एक्ट टा ही जोटा को लास्ट को जाक एंडेड है कौतरे पूना पैक्ट रे on time associated of Mahatma Gandhi broke off from him and launched a radical movement कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तो एक्जाक्टली सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंटा की इंट्रोड्यूस करते कहबार अर्थ पी त्यागराज सेट्टी छत्रपति महाराज E. V. रामस्वामी नायकर और ज्योतिराव गोविंदराव फुले बा जे जी फुले ओके तो किए करथिले सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट E. V. रामस्वामी नायकर करथिले ठीक अछि से फाउंड करथिले इ मूवमेंटा को एंड एक्जाक्टली तार माने ताकर थिला कोन लक्ष्य थिला कौन कि जोड़ा सोसाइटी जो माने बैकवर्ड क्लासेस अछंती समस्त को इक्वल राइट्स दबा ठीक अछि सेति पय से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को क्रिएट करले बा इंट्रोड्यूस करथिले बैकवर्ड क्लासेस मानो को माने इक्वल राइट्स दबा ठीक अछि व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्यदोग समाज अटेम्प्ट इन लास्ट सेंचुरी तो ज्योतिराव फुले कौन सत्याग्रह समाज क्रिएट करते ठीक अच्छे तो तार एक्जाक्टली कौन था माने मुख्य लक्ष्य कौन था सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मणस एंड देयर अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्चर्स अटैकिंग द कास्ट सिस्टम लेड एंड एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी महाजन ऑफ सर्च इन 17 और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर अनटचेबल्स तो कौपाई करते मन रखिए सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मणस एंड देयर अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्चर्स माने ब्राह्मण मानक माने ब्राह्मण माने अति नीच भाव में देखुले ना लोअर कास्ट मानक तो से ठार कौन करते गोटे कौन सत्यद्योग समाज कौन था समस्त माने माने इक्वल राइट सब दिया जाए ठीक अच्छे तो ब्राह्मण माने जमती अति माने गरीब लोक मानक अति लोअर कास्ट मानक जमती खराब नजर देखुले निम्न भावुले तो से कौन करते से बचाई से कौन करते सत्यदेव समाज क्रिएट करते इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फास्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन तो कौ मूवमेंट रे गांधीजी प्रथम कौन करते हंगर स्ट्राइक करते मतलब जो न खाई न पी स्ट्राइक करते ठीक अच्छे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920-22 रावलट सत्याग्रह 1919 अहमद स्ट्राइक 1918 एंड बरदोली सत्याग्रह तेल कौन करते मन रखिए अहमद स्ट्राइक 1918 हु लेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन गांधी तो गांधीजी सहित सल्ट सत्याग्रह किए मुख्य मानी मुख्य भूमिका ग्रहण करते आनी बेसांत मरीदुल्ला साराभाई मुथुलक्ष्मी और सरोजिनी नायडू तेल किए करते महात्मा गांधी सहित लीड रोल करते सरोजिनी नायडू सती वाज प्रोहिबिटेड बाय सतीदाह प्रथा जो होता क्या द्वारा प्रोहिबिट कराइला वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड वेल्सली विलियम बेंटिंक एंड लॉर्ड डलहाउसी तेल क्या द्वारा करा जाइथिला विलियम बेंटिंक द्वारा द साइमन कमिशन वाज फॉर्म टू रिव्यू तो साइमन कमिशन कौन पे करा जाइथिला फॉर्म कराइला लेजिस्लेचर इन इंडिया फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स द पोजिशन ऑफ द वाइसरॉय एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया तो कौन पे करा द पोजिशन ऑफ द वाइसरॉय पे साइमन कमिशन फॉर्म करा जाइथिला व्हेन वाज द फास्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया तो प्रथमे भारत रे केबे ट्रेन चलाचल आरंभ होइतिला 1848, 53, 55 एंड 80 तले केबे करा जाइतिला 1853 मसीह रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू तो को लाइब्रेरीज रे कोइ छी सबटा लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ छी मनुस्क्रिप्ट रो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी तांजावुर महाराजा सैफरोज सरस्वती महल लाइब्रेरी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी और रामपुरा राजा लाइब्रेरी ताला कौन रही मन रखिए खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय इंग्लिश डिड प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर तो कौ सेटलमेंट रे करा जायतला फार्मर मानक अधिक प्रोटेक्शन दिया जाय ठीक अछि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल राउटरी सेटलमेंट ऑफ मद्रास जमींदारी सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट्स और मुगल राज बा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो कोडा करा जायतला मन रखिबे राउटरी सिस्टम रे कोन करा जायतला फार्मर मानक सब किछि सुविधा दिया जाय बोली कहा जायतला व्हेन वाज द फास्ट टेलीग्राफ टेलीग्राफ लाइन केबे स्टार्ट होता 1951, 1975, 1984 और 1851 मसीह व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली तो केबे ठारू बा को विद्रोह पर माने ब्रिटिशर्स माने ठीक अच्छे बा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया रे पूरा डायरेक्टली राजत्व करबा स्टार्ट करले आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर और आफ्टर द सिपाही मुठिन तो क्या पर सिपाही विद्रोह पर 1857 मसीहार सिपाही विद्रोह पर कौन है इंग्रज मैंने स्टार्ट कले भारत में निजर राजत्व चलवाई व्हाट डिड द हंटर कमिशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब है व्हाट डिड द हंटर कमिशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब बरदोली सत्याग्रह खिलाफत एजिटेशन जालियानवाला बाग ट्रेजेडी और चौरी चौरा इंसिडेंट ताले कोड़ा कराइतला जालियानवाला बाग हंटर कमिशन जालियानवाला बाग ट्रेजेडी पे ठीक अच्छे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंडिया रो किए चेयरमैन किए यूनियन पावर रो किए मान यूनियन पावर कमिटी रा की मेंबर थिले बाबा चेयरमैन किए थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल आंबेडकर अल्ला कृष्णन स्वामी आयन्न जवाहरलाल नेहरू तो चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर पावर सब बेले का हाथ रे थिला मन रखिबे जवाहरलाल नेहरू का हाथ रे ठीक अछि त पावर कमिटी यूनियन पावर कमिटी रा चेयरमैन थिले किए जवाहरलाल नेहरू. From where did Acharya Vinoba Bhave start the individual satyagraha in 1940? तो Acharya Vinoba Bhave 1940 मसीह जो इंडिविजुअल सत्याग्रह से निज हिसाब से जो स्टार्ट करते सत्याग्रह तार ना कौन था बा कौट स्टार्ट करते नादियाडा इन गुजरात पवनर इन महाराष्ट्र आद्यार इन तमिलनाडु और गुंटूर इन आंध्र प्रदेश तो कौट स्टार्ट करते मन रखा पवनर इन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र रु कौन करते मानने महाराष्ट्र पवनर गोटे जगार विनोबा भावे कौन करते इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 मसीह स्टार्ट करते. Which British Governor General introduced postage stamp in India? तो को British Governor General India रे postage stamp वो पोस्टर मानक जो स्टाम्प अच्छी तो ताको इंट्रोड्यूस करते किए लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक दे तो किए करते लॉर्ड डेलहाउसी करते ठीक अच्छे. ट्रेन सिस्टमटा भी डेलहाउसी ही स्टार्ट करते. द ओरिजिनाल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती तो स्वामी दयानंद सरस्वती ओरिजिनाल ना कौन था अविशंकर गौरीशंकर दयाशंकर और मूलाशंकर कौन था मूलाशंकर थिला तांकर ना. द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड कौन पे लॉन्च करा जायतिला स्वदेशी मूवमेंट केबे फास्ट हेतिला 1905 एज पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बेंगल with a view to improve the economic condition of the people by the encouraging consumption of Indian goods as a protest against the massacre of Indian people at Jallianwala Bagh due to the failure of the British government to introduce responsible government in India तो कौन करा जाइतिला फास्ट होची कौन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बेंगल तो कौन वेस्ट बेंगल को डिवाइड करबा पई स्वदेशी मूवमेंट है करा जोटा को हमें बंग बंग विभाजन बोली कहा जाए आउ सेते बेले स्वदेशी मूवमेंट माने कोन निजे केवल केवल निजर जेमिति हमर एबे आत्मनिर्भर भारत चलछि बा निज देश रे जाउ छि ताकू ही सब ये करबा पई यूज करबा पई कहा जायथला ब्रिटिशर्स माने बा नॉन प्रोडक्ट जो जो माने ब्रिटिश प्रोडक्ट जोरा रहले ताकू सब यूज करबा पई बैन करा जायथला ठीक अछि. तो स्वदेशी मूवमेंट कोन पई लॉन्च करथला एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बेंगल केबे ना 1905 मसीह रे किए करथिले लॉर्ड कार्जन का द्वारा लॉर्ड कार्जन जेतले वाइसर रे थिले सेति बेले थिला. The 19th century reawakening in India was confined to the 19th century reawakening India was confined to the priestly class, upper middle class, rich peasantry or urban landlord. तो 19th century टाइम रे इंडिया टा हमर कोटी की ट्रांसफर कर जायतिला माने केमिति को जिंसो को ट्रांसफर करथिला प्रिस्ली क्लास को ना अपर मिडिल क्लास ना रिच पेजेंट्री ना अर्बन लैंडलॉर्ड कहला अपर मिडिल क्लास को कहला सेतबेले कहला अपर मिडिल क्लास रो लोक माने जो माने थिले से माने कोन करथिले ना बहुत हाईली एजुकेटेड हेतिले. ठीक अछि तो ये हमरे अपर मिडिल क्लास रे जते सब लोक माने थिले सेवन सेते बेले पाठ पढा सब स्टार्ट करथिले सेति पई धीरे धीरे शिक्षा रा उन्नति भी कोन 19th सेंचुरी बेर को स्टार्ट हे जायतिला. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन जे इलेक्टेड हेतिले दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय तले किए हेतिले दादा भाई नौरोजी. ठीक अछि. हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगल तो बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड डेलहाउसी विलियम बेंटिक और लॉर्ड कार्जन तले किए करते लॉर्ड कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस कौन परमानेंट सेटलमेंट बेंगल रे स्टार्ट करते. हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो आम जो माने जातीय पताका अच्छी ताको डिजाइन किए करते बंकिम चंद्र चटर्जी रविन्द्रनाथ टागोर महात्मा गांधी और पिंगाली वेंकैया ताले किए करते पिंगाली वेंकैया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन coloniers did not have a settlement on the eastern coast of India. तो को यूरोपीय माने हमर कोन ईस्टर्न कोस्ट रे कोन ताकर सेटलमेंट करनथिले मतलब ताकर वाणिज्य व्यवसाय किसी स्टार्ट करनथिले के फ्रेंच पोर्तुगीज डच एंड डेनिश के करनथिले मन के डेनिश माने करनथिले बट फ्रेंच पोर्तुगीज डच मान समस्त ताकर सेटलमेंट करथिले बा बसति स्थापना सेठी करथिले केवल डेनिश माने ही करनथिले. In which session of Indian National Congress the tricolor flag was unfurled for the first time? को सेशन रे बा आईएनएस रो आईएनसी रो को सेशन रे हमर जातीय पताका को प्रथम थर पई उडा जायतिला बा उत्तोलन करा जायतिला बा लहरा जायतिला जा को कह जे ठीक अछि. तो को सेशन रे कलकत्ता सेशन 1920, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस एट नागपुर 1920, लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 और हरिपुरा कांग्रेस सेशन 1938. तो केबे करा जायतिला मन रखिबे लाहौर कांग्रेस सेशन जेतेबेले होउतला 1929 मसिया रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सेतेबेले ही कां करा जायतिला आमर प्रथम थर पई ट्राइकलर को फ्लोर करा जायथिला आ सेते बेले चेयरमैन किए थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है जी. ओके. Which among the following regulation made English as a medium of education compulsory in government aided school and college? तो को एक्ट द्वारा बा को रेगुलेशन द्वारा इंग्लिश माने मैंने कोन करथले इंग्लिश को मीडियम माने इंग्लिश टाको इंट्रोड्यूस करथिले. ठीक अछि पाठ पढा सहित माने हमर जति कि पढा पढा दिला लोकल लैंग्वेज सहित इंग्लिश को भी ता साथ रे ऐड करा जथिला कंपलसरी. ओके. मीडियम ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेज मानकर इंग्लिश टाको ऐड करथिला इंग्लिश लैंग्वेज टाको ऐड करथिला को एक्ट रे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मकाओले मिनिट 1835 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो केबे करा जायतिला मन रखिबे मकाओले मिनिट एक्ट 1835 रे. ठीक अछि. कोन करैतला इंग्लिश को गोटे मीडियम करैतला बा इंग्लिश को लैंग्वेज को ऐड करा जायतिला स्कूल और कॉलेज माने करे पिला माने पाठ पढि परबे बोली. ओके. मकाओले मिनिट. ओके. सो टोटली जे 40 क्वेश्चन थिला नेक्स्ट पार्ट रे मध्य से 40 क्वेश्चन ही नै आसबा. ठीक अछि. ओके. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर व्यूइंग द क्लास एंड जो मैंने क्लास को लाइक करना एंड जो मैंने नुआ पिला क्लास को सब्सक्राइब करना से मैंने सब्सक्राइब करना. ठीक अच्छी. ओके. थैंक यू.